ये क्लैंप इसमें बांधे जाएंगे, इसमें ये स्क्रू लगाया जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे क्लैंप बांधे जाएंगे। जो बॉडी मैंने आपको दिखाया था एकदम ब्लैंक आती है, उसमें देखिए पीछे से ही पेंच को डाल के आगे से ये क्लैंप इसमें फंसा दिया जाता है और ये स्क्रू उसमें पेंच लगा दिया जाता है। अब इसको हमें टाइट करना है इस तरह से करके दोस्तों, चार क्लैंप हमें लगाने होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये चारों क्लैंप जैसे मैंने आपको दिखाया था पहला, उसी तरह ये चारों लग गए। चारों को एकदम टाइट रखना है। सबसे पहला काम मशीन में दोस्तों यही करते हैं, हमें क्लैंप टाइट करना, तो क्लैंप एकदम सीधे रखने होते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम जो आगे करते हैं, पंप को हम आगे फिट करते हैं और इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा कैसे इलेक्ट्रिक कनेक्शन करेंगे, कैसे ऑटो पट लगाएंगे, कैसे बाकी चीज़ें करेंगे दोस्तों। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये इतना हमारा काम हो गया है, क्लैंप टाइट हो गए हैं। सी क्लैंप इसको बोलते हैं दोस्तों, सी क्लैंप। ये दोस्तों बल्कहेड है, पानी जो हमारा बाहर से आता है वो हम इसी में इनपुट देते हैं, बाकी और कोई होल नहीं होता है। आप देखते होंगे साइड में, इधर से ही हम पाइप को इनपुट करते हैं। ये दोस्तों दो पार्ट में आता है, इसको यहाँ पे लगा के टाइट कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों ये पंप देखिए लगाया जाए, इसको टाइट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा पंप का मुँह बल्केट की तरफ ही होगा, अगर आप उधर कर देंगे तो मशीन आपको गलत बन जाएगी, बल्कि बन ही नहीं पाएगी, सब उल्टी हो जाएगी। ये पंप का मुँह इधर है, उसके बाद इसके आगे हमें अडॉप्टर लगाएंगे, मतलब सब चीज़ की जगह इसमें सेट है, हम कुछ इधर उधर नहीं कर सकते अपने हिसाब से। तो ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे पंप टाइट हो जाता है, फिर मैं उसके आगे आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जो अभी हमारे फिल्टर है, जैसे ये फिल्टर देखिए, यहाँ पर पाइप लगाने का वो सिर्फ चूड़ी काट के लिए, इसके लिए हम इसमें एल्बो लगाते हैं। देखिए एल्बो में देखिए दोस्तों, ये जैसे हमारे तैयार हुआ है, ये इसमें हम टेफ्लॉन लगाते हैं और उसके बाद हम इसको इधर टाइट करते हैं, तो हम अपना पाइप इसमें इनपुट करते हैं। जो भी हमारे फिल्टर हैं दोस्तों, सब में हमें पहले ये लगा लेना होता है। जो भी हमारे, जैसे मान लीजिए जैसे कार्बन सेडिमेंट लगने हैं, तो हमें इस तरह के चार एल्बो तैयार करने, देखिए तैयार हो रहे हैं। बाकी ये जो आपका आगे से पतले मुँह का है, ये हमारा मेम्ब्रेन हाउसिंग में लगता है। मेम्ब्रेन हाउसिंग मैंने आपको दिखाई, आप जानते हैं उसमें उसमें तीन एल्बो लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे एल्बो तैयार हो रहे हैं, ये तैयार हो जाएं तो उसके बाद हम ये कार्बन सेडिमेंट में इसको सबको और जो मेम्ब्रेन है हाउसिंग है सब उसमें टाइट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आगे देखते रहिए आप। देखिए दोस्तों, ये एल्बो इस तरह से इसमें टाइट किया गया है और एल्बो लगने के बाद ये हमारा इस तरह से हो जाता है। देखिए दोनों साइड में इसमें एल्बो लग रहे हैं। ये हमारा मेम्ब्रेन हाउसिंग का है जो मैंने एल्बो आपको पहले दिखाया, एक एल्बो ऊपर लगेगा और दो एल्बो नीचे लगेंगे। उसके बाद हमारा यूवी बैरल में लगेगा जिसमें हम यूवी ट्यूब लगाते हैं, और पंप में देखिए ऑलरेडी एल्बो लग चुका है, वो भी हमने अलग से लगाया है। एल्बो में एल्बो लग के नहीं आता है पंप में। तो ठीक है दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप आरओ फिल्टर जब भी बनाएं उससे पहले एल्बो सारे तैयार करके, जो भी उससे रिलेटेड स्पेयर्स हैं सब में आप एल्बो लगा लीजिए अच्छे से, टेफ्लॉन लगा के लगाइएगा दोस्तों। टेफ्लॉन में कमी में नहीं करिएगा, अगर आप टेफ्लॉन में कमी कर देंगे तो जब आप कस्टमर के यहाँ फिल्टर लेके जाएंगे तो लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों कम से कम ये मान के चलिए, अगर आप एक एल्बो लगाने जा रहे हैं इन लाइन में, तो कम से कम 12 बार आप टेफ्लॉन उसमें लपेटेंगे, और मेम्ब्रेन हाउसिंग में कम से कम, मेम्ब्रेन हाउसिंग एल्बो जो है उसमें कम से कम 15 बार आप टेफ्लॉन लपेटेंगे। इससे कम आप करते हैं दोस्तों तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं लीकेज स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों ये ध्यान रखिए, टेफ्लॉन में कमी मत करिए, टेफ्लॉन जो लग रहा है अच्छे से लगाइए, ताकि आपको कस्टमर के यहाँ जाके मशीन खोल के एल्बो निकाल के उसमें फिर से टेफ्लॉन लगाना ना पड़े। आप जाइए सिर्फ मशीन लगाइए, उसमें एयर निकालिए, मेम्ब्रेन लगाइए, पानी सही करके यू आर ओ बना के कस्टमर को हैंड ओवर करिए, ना कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेक्ट आ जाए आप उसी में फंस के रह जाइए। ठीक है दोस्तों ये फिल्टर फिक्स करना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। सबसे पहले ऊपर कार्बन लगाया जिसका साइड उधर से है, देखिए पानी हम उधर से इन करते हैं, ये आउट है फिल्टर में। दोस्तों ये ध्यान रखिए, सीधा और उल्टा पहचानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप उल्टा कर देंगे तो फिल्टर बहुत जल्दी ख़राब होगा, या हो सकता है पानी ही ना दे, या दे भी तो सही ना दे।
दोस्तों फिल्टर का ए और बी ज़्यादातर स्टिकर लगाओ तो उसमें निशान बना होता है कि किधर हमको इन करना है, किधर से आउट निकालना। नहीं तो देखिए वो जो उठा हुआ एक रिंग सा बना हुआ है उसका ये मतलब है कि उधर से हमें इन देना है और जिधर फ्लैट है इधर से आउट देना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि देखिए इधर देखो ये ईशा, ये इन्होंने देखिए ऐसे उल्टा फिल्टर लगा दिया है, नीचे वाला देखिए उल्टा लग गया है, इसको सीधा करना होगा। देखिए यही सब दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए एक फ़िल्टर बनाते ही एक गलती आ गई, जो बाद में हो सकता जहाँ फ़िल्टर लगता आगे दिक्कत ये बड़ी बन के आ जाती, क्योंकि पानी सही जाता नहीं और पंप को फिर कम पानी मिलता, उससे मेम्ब्रेन भी ख़राब होती, पंप भी ख़राब होता। तो ये बहुत एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर ये मशीन एक दो महीना चल जाती तो ये प्रॉब्लम बड़ी हो जाती। देखिए अभी ये देखने में पकड़ में आ गई और इसको हम लोगों ने यहीं पे रिजॉल्व कर दिया। तो दोस्तों ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। देखिए वो सोलेनोइड वैल्यू आ गई और बाकी देखिए इधर से हमने इन कर दिया है। ये हमारा देखिए इसको बल्कहेड बोलते हैं, यहाँ से देखिए हमने पाइप लगा के ले जाके हमने पहला फिल्टर ऊपर हमको कार्बन फिल्टर में इन करना है। दोस्तों यही ध्यान रखिएगा, जो हमारा इन आता है वो सीधे हमारे ऊपर कार्बन फिल्टर के इनपुट में जाता है, वहाँ से उसका आउटपुट निकलता है, आउटपुट निकल के फिर हमारा सेडिमेंट में जाता है, उसके बाद वहाँ से दोस्तों फिर आउट निकल के वाया सोलेनोइड वैल्यू, जो मैंने आपको पूरी इस पर क्लिप बनाई, एक बार दिखा दो सोलेनोइड वैल्यू, देखिए ये है सोलेनोइड वैल्यू, इस पर मैंने आपको क्लिप दिखाई। इसका काम क्या है, जब इसको सप्लाई मिलेगी पावर वोल्ट 24 वोल्ट डीसी मिलेगा तो इसका पिस्टन उठेगा और ये पानी को आगे आने देगा। उसके बाद ये पंप में देखिए दोस्तों पानी आ रहा है, पंप से ये प्रेशर बना के आगे निकलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी, अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ये देखिए दोस्तों ये मेम्ब्रेन हाउसिंग भी लगा दी गई है, इसमें देखिए आपको मैंने जैसे बताया था इसमें दो आउटपुट होते हैं, एक आउटपुट ये जो हमारा है देखिए ये नीचे घूम के यहाँ पे रॉ वाटर में आ रही, यहाँ से गंदा पानी निकलेगा, बाकी ये हमारा जो है इस लाइन से क्लीन वाटर आगे जा रहा है जो कि यहाँ यूवी ट्यूब में आएगा। ठीक है दोस्तों, आपने वाली क्लिप देखी होगी जिसमें मैंने डायग्राम शेयर किया था, तो उसमें देखिए आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ये मेम्ब्रेन हाउसिंग लग गई है, फिल्टर ज़्यादा हो रहे हैं तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होइए, आप शुरू से देखिए ध्यान से देखिए आपको सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमारा पंप से आउटपुट निकल रहा, आउटपुट लेके हम मेम्ब्रेन हाउसिंग में आते हैं, चूँकि ये मशीन हमारी यूवी टीडीएस एडजस्टर के साथ बनेगी तो हम यहाँ इस लाइन में एक टी देंगे, अभी दिखाते हैं हम आपको कैसे टी देंगे, और वो हम टीडीएस एडजस्टर में लाएंगे और उसी से आगे पाइप ले जाके मेम्ब्रेन हाउसिंग में इनपुट देंगे उधर साइड से। बाकी यहाँ से हमारा ये साफ़ पानी निकला, जो मैं बताया था जो पॉइंट नीचे तक आता है उसमें साफ पानी निकलता है, जो थोड़ा ऊपर ख़त्म हो जाता है उसमें गंदा पानी निकलता है, जिसको हम पाइप से घुमा के अंदर से यहाँ तक नीचे वाला हमारा हमेशा आउट होता है, ऊपर वाला इन होता है, क्योंकि ये टीडीएस एडजस्टर यहाँ पे पेंच से फिक्स कर दिया जाएगा और इसका आउट हम ले जाके यूवी में देंगे। देखिए दोस्तों ये हमारे यहाँ तक फिल्टर पार्ट कंप्लीट हो गया, जैसे मैंने दिखाया था यहाँ से हमारा पंप आगे प्रेशर देगा, हमें एक टी लगा के देखिए पाइप ले जाके हम यहाँ ये एडजस्टर में ले जाते हैं जिससे हम टीडीएस बढ़ाते हैं। यहाँ से इस पाइप को घुमा के ले आके देखिए हमने ये यूवी ट्यूब में इन दिया है, बाकी जो हमारा पानी यहाँ से मेम्ब्रेन हाउसिंग में इन हो रहा है इसके अंदर मेम्ब्रेन लगेगी। यहाँ से देखिए दो लाइन निकल रही है, एक तो देखिए ये हमारा साफ़ पानी होगा, दूसरा ये गंदा पानी। साफ़ पानी को देखिए हम लेके आ रहे हैं पाइप से उतार के यूवी ट्यूब में, यहाँ पे हमने टीडीएस एडजस्टर का पानी और आरओ पानी दोनों मिक्स कर दिया है, बाकी इसका जो दूसरा हिस्सा जिससे गंदा पानी निकल रहा है दोस्तों देखिए उसको हम पाइप से हम ले जा रहे हैं नीचे से बाहर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखिए ये हमारा फ़िल्टर पार्ट ये कंप्लीट हो गया, अब इसमें हम इलेक्ट्रिकल पार्ट लगाएंगे जिसमें हमारे एडाप्टर है, यूवी चोक है और ऑटो कट है और सोलेनोइड वैल्यू का कनेक्शन करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी इलेक्ट्रिकल में आती हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिकल पार्ट हमारा स्टार्ट हो गया, ये हमने अडॉप्टर लिया है और उसका जो पावर साइड है वो हमने कट कर दिया और दोनों वायर जो प्लस अर्थिंग और फेस है हमने दोनों को ओपन कर लिया है। उसके बाद ये इधर साइड ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा इनपुट है। अब इनपुट के लिए दोस्तों देखिए इधर जो इसमें होल है अगर वो छोटा है तो उसको थोड़ा बड़ा करेंगे और जो हमारा वायर है 220 वोल्ट इन का जो कि अडॉप्टर से ही हमने काटा है उसको हम क्रॉस करा के एक गेट लगा देंगे ताकि कभी फिल्टर अगर लटकता है या कहीं गिरता है तो
ऐसा ना हो कि हमारा पूरा एडाप्टर तक बाहर खींचे और अंदर से वायर कहीं कुछ टूट जाए। इसमें हम दोनों साइड का देखिए ओपन कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा पावर एडाप्टर जो कि 24 वोल्ट 2.5 एम्पीयर देगा, और ये जो निशान ओपन कर रहे हैं ये हमारा यूवी चोक है। यूवी चोक जो हम यूवी बैरल में ट्यूबलाइट लगाएंगे उसको जलाने के लिए। इससे पहले एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं चोक से। ये 220 वोल्ट का चोक है, इसमें ट्यूबलाइट लगा के चेक कर लेते हैं। जब ओके है तब हम इसको फिक्स करेंगे, अगर ओके नहीं है तो हम दूसरा यूवी चोक या एडाप्टर इसको हम चेक करके ही लगाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो अभी चेंज कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वायर का कनेक्शन आप देख लीजिए, हमने फेस फेस जोड़ दिया है, और इसमें से दो में से कोई एक वायर चाहे अर्थ पे ले लीजिए चाहे फेस पे ले लीजिए, हम इसमें ऑटो कट लेके जाएंगे। अब वो आप देखिए, अभी हम दिखाते हैं आपको कैसे ऑटो कट में ले जाएंगे दोस्तों। ये हम थोड़ी एक्स्ट्रा वायर अलग से ले लेते हैं ऑटो कट में लगाने के लिए। तो ये जो हमारा 220 वोल्ट इन आ रहा है दोस्तों, इसमें एक वायर हमने एज इट इज़ जोड़ दी जो कि सीधे एडाप्टर में जा रहा है। दूसरे वायर में हम ऑटो कट लगा देंगे। ऑटो कट कैसे होगा, जैसे मान लीजिए ये वायर हमारी दो दोस्तों आ रही है, उसमें एक वायर हमने डायरेक्ट कर दी, एक वायर को हमने उसमें दो वायर जोड़ दी, वो जहाँ पे जोड़ेंगी वो हमारी सप्लाई आ जाएगी, अलग हो जाएगा तो हमारा वो मशीन बंद कर देगा। तो देखिए ये जो वायर हमने एक एक्स्ट्रा अलग से डाली है दोस्तों, अब आप देख के समझ गए होंगे कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें ये, तो हमारा ऑटो कट काम नहीं करेगा। इनको हम अलग करके वायर को हम आगे स्विच जहाँ पे दे रहे हैं ऑटो कट स्विच, जब वहाँ से ये कनेक्ट होगा तो हमारी मशीन ऑन हो जाएगी, तो ऑटो कट जो है चलने लगेगा, हमारी मशीन ऑन कर देगा वो। उसके बाद दोस्तों यूवी चोक, यूवी चोक दोस्तों लगाते वक्त हमको ये ध्यान देना होता है, एक वायर तो हम कनेक्ट कर देंगे एज इट इज़ जो हमारी दो वायर आ रही हैं बाहर से 220, दूसरी वायर दोस्तों हमें वहाँ पे लगाना है जो वायर हमारा ऑटो कट स्विच से रिटर्न आता है। अगर मान लीजिए कि हमने जो हमारा जा रहा है मतलब जो गोइंग वायर है हम उसमें लगा देंगे तो हमारी हर टाइम यूवी जो ट्यूब है वो जलती रहेगी, लेकिन अगर हम ऑटो कट का वायर जब रिटर्न आएगा तो उससे जब मशीन ऑन होगी तो हमारी ट्यूबलाइट जलेगी, और जब मशीन ऑफ होगी तो फिर पूरी तरह से ऑफ हो जाएगी, हमारा जो है ट्यूबलाइट भी ऑफ हो जाएगी, एडाप्टर को भी सेफ करेगा। जैसे कुछ कंपनी का है उसमें एडाप्टर कनेक्ट रहता है, हर टाइम ऑन रहता है, उससे एडाप्टर की लाइफ ज़्यादा नहीं होती। हम जो बनाते हैं दोस्तों उसमें एडाप्टर से रिटर्न जो करंट आता है तब हमारा एडाप्टर ऑन होता है, इससे एडाप्टर की लाइफ भी सेफ रहती है प्लस हमारा यूवी चोक भी सेफ रहता है, बल्कि ये कहिए कि पूरी मशीन हमारी सेफ हो जाती है इस प्रोसेस को करने में। तो जब भी जोड़ दोस्तों वायर जोड़िएगा आप यूवी चोक का ये ध्यान रखिएगा, जो हमारा ये दो वायर हमारे गए हैं ऑटो कट में इसमें जो रिटर्न वायर आ रहा है उसमें हमें जोड़ना है। अगर हम जो हमारा डायरेक्ट कमिंग वायर आ रहा है 220 उसमें लगा देंगे तो हमारी हर टाइम जो है, देखिए इसमें अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ये हमारा एडाप्टर में दो वायर जा रहा है, ये हमारा देखिए बाहर से मेन लाइन आ रही है और देखिए ये हमारा देखिए रेड वाला सीधे चला गया, उसके बाद हमने ब्लैक वाले में एक इधर से ये हमारा ऑटो कट में जा रहा है ये वायर। इसका देखिए जो रिटर्न वायर आ रहा है उसमें हमने देखिए ऑटो कट दिया है, एक डायरेक्ट रेड में दे दिया और एक जो रिटर्न आ रहा है उसमें दिया है, उससे जब मशीन हमारी ऑटो ऑन हो जाएगी तो हमारी ट्यूबलाइट भी जलेगी यूवी, और नहीं तो ट्यूबलाइट बंद रहेगी। आप इसको उल्टा कर देंगे तो हर टाइम ट्यूबलाइट चलती रहेगी दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा इसमें मतलब कह लीजिए सेटिंग है जिस पे आपको ध्यान देना है, नहीं अगर आप मशीन बनाने में ये गलती कर देंगे तो फिर आपको बहुत परेशानी होगी, आपको बार बार दौड़ना पड़ेगा और हर दूसरे तीसरे दिन आपको ट्यूबलाइट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ भी सकते हैं कि कैसे हमें यूवी चोक को कनेक्ट करना है आरओ मशीन में, ठीक है दोस्तों। कि ये दोस्तों हमारी मशीन देखिए करीब करीब पूरी तैयार हो गई है, ये हमारा एडाप्टर आ गया, इसका आउटपुट ये निकला, अब इसका हम कनेक्शन पंप में देंगे और एसवी में देंगे, और उधर जो वायर हमारा रेड और ब्लैक है उसमें हम ऑटो कट लगाएंगे। बाकी ये जो हमारी वायर है ये हमारी सोलेनोइड वैल्यू की है। मेन यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना होता है जो मैंने आपको कुछ देर तक समझाया, अब
उधर ऑटो कट लगने जा रहा है और बाकी इधर से कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों ये मशीन है और इसमें हमें ट्यूबलाइट लगा के जो हमारा यूवी चोक लगा है उससे दो वायर आते हैं उसको हम लगा देंगे तो हमारी यूवी चोक भी स्टार्ट हो जाएगा और पंप भी। वो देखिए दोस्तों आगे कैसे हो रहा है। ये हमारा दोस्तों ऑटो कट स्विच कनेक्ट हो गया है। वायर के आगे हमें जो है प्लग टाइप के आते हैं आरओ मशीन बनाने के लिए, उसको लगा के और हमें उसकी पिन पत्ती भी ऊपर चढ़ा देना होता है। तो ये हमारा ऑटो कट दोस्तों कनेक्ट हो गया है। बाकी ये जो हमारा आउटपुट निकल रहा है उससे हम सोलेनॉइड वाल्व और पंप को कनेक्ट करने जा रहे हैं। बाकी उधर हमने ऑटो कट लगा दिया है, अभी फिक्स नहीं किया, जहाँ मशीन लगेगी वहाँ पर फिक्स करेंगे। बाकी हमने उसका कनेक्शन सारे कर दिए हैं और इसको जोड़ने के बाद बस दोस्तों हमें यूवी ट्यूब लगानी है, उसे कनेक्शन करना और ये मशीन हमारी कंप्लीट हो गई। ये है दोस्तों यूवी ट्यूब हमारी, इसको बाहर एक बार हम चेक कर लेते हैं, अगर अभी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो पकड़ में आ जाएगी। ये है दोस्तों, इसको हम डायरेक्ट 220 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। ये दोस्तों ट्यूबलाइट हमारी ऑन हो गई, इसका मतलब हमारा यूवी सही चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये वही यूवी है अल्ट्रावायलेट जिसको नाम दिया जाता है, यूवी ट्यूबलाइट, ये इसी तरह से जलती है और पानी इसी चारों तरफ जाके भरता रहता है और इसकी रेस से ये कहा जाता है कि पानी में जो भी बैक्टीरिया है ये उनको रोक लेता है। बाकी यहाँ पे आप हाथ लगा के सोलेनॉइड वाल्व भी चेक करते, स्विच ऑन करने पे वो चुट से बोलता है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा सही है। अगर मतलब पिस्टन उठेगा तो आवाज़ होगी, पिस्टन नहीं उठेगा तो आवाज़ नहीं होगी। बाकी दोस्तों ये सारा कुछ देख लिया आपने, इसमें और कुछ नहीं है इतना। बाकी वो मशीन अभी मुझे बनाना, जिसमें आपको मैं यूएफ और एंटी स्कैलेंड ये सब भी लगाना दिखाऊंगा। वो मशीन का देखिए जब भी मैं बनाता हूँ उसके बारे में आपको पूरा दिखा दूँगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, इसमें नीचे टैंक कनेक्ट कर देना है और इसका कवर लगा के इसको पैक करना है। ये देखिए दोस्तों यूवी ट्यूब में जो उसका कवर आता है उस कवर से प्लग को ढका के, और देखो प्लग हमने इसमें लगा दिया है। उसी तरह दूसरे साइड भी हमने कर दिया कि ट्यूबलाइट अंदर पैक हो गई। ये हमारा दोनों साइड का पानी एडजस्ट और मेम्ब्रेन का पानी जो आर ओ होके आ रहा है दोनों हमारा इसमें मिल के इस ट्यूब बैरल में भरने के बाद टैंक में उतर आएगा। बाकी इसमें स्टिकर वगैरह भी आते हैं, ये हम लोग जैसे OEM में काम कर रहे हैं, आप स्टिकर लगाना चाहें तो स्टिकर भी लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों ये मशीन में स्टिकर वगैरह भी लग गया, ये पट्टी लग गई है, ये गोल स्टिकर देखिए लग गया। बाकी ये सब इसे कवर पर लग जाएंगे। देखिए अच्छी इसका स्टिकर लगने के बाद देखिए इसमें लुक आ गया एकदम अलग से। अब इसमें देखिए तो बहुत ही जैसे लग रहा है बहुत ज़्यादा सामान बहुत ही वैसे लग गया है, थोड़ा कंफ्यूजन भी होने लगेगा, लेकिन आपको बस ध्यान रखना कैसे स्टार्ट किया गया है, वन बाय वन स्टेप आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, बाकी टैंक का मैंने आपको दिखाया है कि इसमें क्या क्या सामान हम ले कर जाते हैं मशीन में, वो सारा कुछ इसमें रख गया है, जैसे प्री बाउल, मेम्ब्रेन, टैप, DB सेट और पाइप, ये सारी चीज़ें इस टैंक में रख दिया गया है। और उसके अलावा बाकी इन आउट का स्टिकर उधर साइड में लगा दिया गया है और ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर हम इसका देखिए कवर लगा देंगे, कवर लगते ही देखिए एकदम एक अलग लुक आ गया, जैसे कि आप देखिए इसको। देखिए दोस्तों इस पर भी दो तीन स्टिकर लगने हैं, देखिए वो स्टिकर लग जाएंगे तो देखिए आप एकदम अलग ही लुक आ जाएगा, मतलब जिससे कही बहुत अच्छी खूबसूरत मशीन बन के तैयार हो जाएगी ये। देखिए दोस्तों ये एक मशीन बन के तैयार होगी।